जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। क्विक अपडेट, ये पोको M2 प्रो मैंने ऑर्डर किया था, आ चुका है। ऑर्डर क्या किया था, मिलता है नहीं, एक्स्ट्रा किसी को पैसे दिए तब जाके मिला। और ये है एक ईयरफोन, इसको भी ऑर्डर किया था, आ चुका था। वन प्लस नोट भी ऑर्डर हो चुका है, वो 5 से 13 अगस्त के बीच में आएगा, और अभी पैसे ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये, अगर आप नए हैं चैनल पे, वीडियो मेरी पसंद आती है और वीडियो देख लो, या इसमें कुछ अगर आपको इन्फॉर्मेशन की बात पता लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। कोशिश कर रहा हूँ अगस्त तक 5 लाख सब्सक्राइबर हो जाएं। तो एक स्पॉन्सरशिप की बात कर लें, क्यों कर लें, क्योंकि ये काफ़ी लोगों के काम की हो सकती है। इसका नाम है डॉक्टर फोन स्क्रीन अनलॉक। तो ये जो किसी फोन में लॉक लगा रहता है ना, स्क्रीन लॉक या पैटर्न लॉक, उसको बाईपास कर देता है और आपके डेटा को भी बचाएगा, डेटा डिलीट नहीं होगा। इसको यूज करना बहुत ज्यादा सिंपल है, आपको पीसी में अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट करना है, उसके बाद सिंपल से इंस्ट्रक्शन आते हैं, उनको फॉलो करना है, फोन अनलॉक हो जाएगा। लेकिन ये याद रखना कि सैमसंग और जो LG के डिवाइसेज है ना, उनके फोन में मैक्सिमम सभी में सपोर्ट करता है। और कौन कौन से डिवाइस है पूरी लिस्ट दे रखी है यहाँ पे, उसे आप चेक कर सकते हो। बाकी ब्रांड्स के साथ क्या है कि ये ना इरेज एंड वाइप सिस्टम की तरह काम करता है, डाटा नहीं बचेगा, लेकिन सैमसंग और LG के साथ काफी सही काम करता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, चेक जरूर करना, कितने ऑफर वगैरह जो भी पूरी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो गैलेक्सी M31S आ चुका है, 6128 का प्राइस होगा, 19499। और सबसे पहले आप लोगों की प्रतिक्रियाएं देख ली जाए, इससे रिलेटेड क्या है आप देख सकते हो। मैक्सिमम लोगों का कहना ये है कि ओवर प्राइज्ड है। तो GST बढ़ने के बाद भाई 2020 का जो स्मार्टफोन का हाल है ना, वो कुछ ऐसे हो चुका है 2019 के कंपैरिजन में। इवन फीचर्स के साथ भी कंपनी कॉम्प्रोमाइज़ काफ़ी हद तक कर रही है, मैंने एक वीडियो में बात भी किया था। लेकिन इन सब हालात को देख के सभी फ़ोन को हम सिर्फ ये कह के साइड में नहीं कर सकते, महंगा है महंगा, बात खत्म हो जाएगी, कोई फ़ोन वीडियो ही नहीं बन पाएगी। बाकी मैं आपसे एग्री करता हूँ, हाँ भाई फ़ोन का प्राइस जो है वो ज़्यादा चला गया थोड़ा, क्योंकि रीज़न ये M सीरीज़ का फ़ोन था यार, M सीरीज़ के फ़ोन थोड़े कम पैसे में आते थे। तो मैं सैमसंग या किसी भी एक ऐसे ब्रांड जो नॉन चाइनीज़ है, उनसे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये एक ऐसा टाइम है आपके लिए, गोल्डन टाइम पीरियड है। लोग चाहते हैं कि हम चाइनीज़ फ़ोन ना खरीदें, बट आप चाहते हो कि खरीदें, क्योंकि चीज़ें आपको देनी होंगी, नो डाउट। मतलब अगर मान लो 2-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा भी लेते हो, एटलीस्ट वो चीज़ें देने की कोशिश करो जो लोग चाहते हैं, अलग अलग प्राइस उसमें, ताकि लोग ना ऐसे जाए ना चाइनीज़ ब्रांड की तरफ, ना जाएंगे ना वो आएंगे, चीज़ बनती रहेगी, काम बनता रहेगा। बाकी मैं इतना एग्री करता हूँ कि जो पिछले जनरेशन के दो फ़ोन थे ना, जैसे हम लोग बात करें M30S या फिर M31, उनके कंपैरिजन में एक तो बिल्ड क्वालिटी इंप्रूव कर दिया गया, क्लियर है। इवन ये जो ट्रेलर वाली वीडियो है, यहाँ पे देख के लग रहा है अभी इन्होंने क्या कर दिया, अलग से फ्रेम भी ऐड कर दिया गया, क्योंकि फ्रेम नहीं था पहले वाले फ़ोन में, आपने देखा होगा जो पिछले फ़ोन थे M सीरीज़ के, ये M30S या फिर M31, बाकी फ्रेम वगैरह सब प्लास्टिक का, और इसी में साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर दे दिया है। मैंने आपको बताया था क्यों होता है पहले वीडियो में, कि A सीरीज़ से ये अलग रखना चाहते हैं इस फ़ोन को, कि A सीरीज़ थोड़ी मतलब प्रीमियम लगे, M सीरीज़ थोड़ी सी उसके कंपेरिजन में, नहीं तो कौन खरीदेगा A सीरीज़ के फ़ोन। और मुझे लगता है इस बार फ़ोन का रेट 20,000 के आसपास जा चुका है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया जा सकता था, क्योंकि इसमें मिलता आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, और सैमसंग के डिस्प्ले भाई ऐसे मस्त मक्खन वाली होती है, तो यहाँ कोई शिकायत नहीं है। बाकी कैमरा अपग्रेड कर दिया, और सैमसंग ने इस बार सैमसंग का नहीं, सोनी का सेंसर यूज किया, IMX682 अल्ट्रा वाइड एंगल को 12 मेगापिक्सल कर दिया। तो ये सारी चीजें मतलब कैमरे को इंप्रूव किया गया। और एक बार बताऊं, मुझे कभी आज तक बिल्कुल फील नहीं हुआ कि कोई ब्रांड मुझे फोन दे या ना दे, बट हाँ कभी कभी इसलिए फील हो जाता है कि आपको वीडियो में जब मैं खरीदता हूँ थोड़ी लेट मिलती है। तो मैं कैमरा रिजल्ट कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है, वो तो मैं बाद में बात कर सकता हूँ जब फ़ोन आएगा। तो काफ़ी लोग इसको रिव्यू समझ लेते हैं, ये ओपिनियन है जिसमें मैं आपको कुछ अलग चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। और डिस्प्ले में पंच होल लगा दिया गया है A51 की तरह, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाला आपको, नो डाउट। चार्जर इंप्रूव किया गया है 25 वोल्ट का। अब मैं क्लियर करता हूँ आपकी एक बिगेस्ट कन्फ्यूजन, आप सोच रहे हैं, काफ़ी सारे लोग कम्युनिटी पोस्ट में आपस में बहस कर रहे थे, मजे ले रहे थे एक दूसरे से, इसमें नोक सिक्योरिटी है। दूसरा भाई कहता है पागल है क्या, कुछ लोग संस्कारिक शब्दों का इस्तेमाल कर करके एक दूसरे को पोक कर रहे थे, काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई। आपने जिन वीडियो में देखा है कि इसके अंदर सैमसंग नोक सिक्योरिटी दी गई है, आपको पता है कि तभी मैं देख के मतलब थोड़ा मैं भी कमेंट सेक्शन वगैरह देख के मैंने ज़्यादा रिसर्च करने की कोशिश की, मैं वेबसाइट पर गया, वेबसाइट पर पूरा चेक करने की कोशिश की, सैमसंग नोक्स की वेबसाइट पर चेक करने की कोशिश की, मतलब सैमसंग ने कहीं हाईलाइट नहीं किया हुआ कि इसमें नोक सिक्योरिटी मिलती है। फिर आप पूछेंगे जिन्होंने दिखाया उन्होंने क्यों दिखाया, क्योंकि उनके फोन में तो था,
बिल्कुल सही उनके फ़ोन में था, लेकिन आपके फ़ोन में नहीं होगा। जब ये फ़ोन मार्केट में आएगा ना, तब इसमें नोक सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। जो मैंने पता लगाया, मैंने पता लगाने की कोशिश की, सैमसंग से बात मैंने किया, मैंने नहीं किया एक्चुअली, मैं नहीं जानता, मैंने अनुज भाई से बात की, अभिषेक सर है, काफ़ी बातें हुई मेरे, एक दो घंटे लगे इस चीज़ को कन्फर्म करने में। वो जो रिव्यू यूनिट आया ना, वो वापस चले जाएंगे, नोक्स भी वहीं चला जाएगा, ठीक है, आपको नहीं मिलने वाला, ये तो आप 99.99% कन्फर्म लेके चलो। तो इस फ़ोन में सारी चीज़ें मतलब काफ़ी इंप्रूव हुई और मुझे पसंद आया, बट कहाँ झोल हुआ जो कि काफ़ी लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, काफ़ी लोग इसी चीज़ से नाराज़ है कि इसमें प्रोसेसर मिलता है एक्जिनोस 9611। अब ये प्रोसेसर बेकार नहीं है, मतलब मैं कैसे बताऊँ, सिंपल यूज़ के लिए, नॉर्मल टास्क के लिए अच्छा काम करेगा, लेकिन ये प्रोसेसर काफ़ी पुराना हो चुका है। अभी सैमसंग को कॉम्पिटिशन के हिसाब से ना, मतलब ऐसे स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर कोई ना कोई दे देना चाहिए, लोग डिमांड कर रहे हैं, और इवन स्नैपड्रैगन 712 भी मिल जाए वो भी बेटर रहेगा, और इस प्राइस में उम्मीद भी कर सकते थे। तो ये थोड़ा सा है कि नेगेटिव पॉइंट तो मैं बोलूँगा, जो हर फ़ोन में कुछ ना कुछ होता है। बाकी इसके अलावा जो यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, उसके बाद यहाँ पर पंच होल मिलता है, और साथ में आपको गोरिल्ला ग्लास 3, UFS 2.1, LPDDR4X रैम, 6000 mAh का बैटरा, रिवर्स चार्जिंग भी करता है एज अ पावर बैंक की तरह, और 1 UI। बाकी हाँ, एक चीज़ याद रखना, ये 1 UI वो 1 UI नहीं है जो ए सीरीज में मिलता है। ये अगर आप इस फोटो को मैं दिखाता हूँ, छोटा सा लिखा हो, बहुत छोटा, ध्यान से पढ़ना पड़ता है, मतलब ये चीज़ें कितना छोटे छोटे लिखते हैं ना, म्यूचुअल फंड कंडीशन की तरह। ये है 1 UI कोर, और इसमें कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज होती हैं, जैसे पहले थी वैसे यहाँ भी मिलेगा। और सच सच बताना आपको इस फ़ोन में कितना इंटरेस्ट है, अगर इंटरेस्ट होगा तो मैं इस फ़ोन को खरीदूंगा। आप तो जानते हो पैसा लगाना पड़ता है भाई। आई होप मेरी वीडियो आपको कुछ अनबॉक्सिंग वीडियो से अलग इन्फॉर्मेशन दे रही होगी, दे रही है ना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कौन करेगा भाई, कर दो। और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।